हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कुछ इस टाइप का जो ट्रेंडिंग सॉन्ग्स पर वीडियो एडिटिंग करने वाला हूँ। आपको भी इस टाइप का वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो तो मेरे वीडियो पर आएं तो बने रहे, और अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस तरह का कंटेंट आपको इस चैनल पर हर दिन देखने को मिलेगी आगे। दोस्तों देखो, कॉपीराइट वजह से मैंने वीडियो को थोड़ा सा म्यूट कर दिया। आप इसका फुल वीडियो देखना चाहते हो मेरे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल से वीडियो को पहले पोस्ट कर दिया, वहां जाकर आप लोग वीडियो को देख सकते हो। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले आपको क्या करना है, एडमिशन ओपन कर लेना है। इसी तरह आपको एडमिशन ओपन करके आप आ जाना प्रोजेक्ट में। प्रोजेक्ट में आने के ऊपर में देख लो सैग इफेक्ट और आपको बिडमार्क प्रोजेक्ट, ये दो प्रेसेट आपको इनपुट करना पड़ेगा अपने एडमिशन से। तो कैसे इनपुट नहीं पता तो ऑलरेडी पोल आर्ट पेपर वीडियो बना के रख लिया मेरे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाकर वीडियो भी देख सकते हो। दोस्तों देखो, आपको पहले आपको क्या 9.62 से आपको फोटो क्रिएट करना पड़ेगा। तो आपको प्लस में टैप करना है और क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करना है, और आपको प्लस में टैप करके मीडिया में आ जाना है, और यहाँ से आपको अपना फोल्डर सेलेक्ट कर लेना है। कौन सा फोल्डर आपको डिमो दिखाने की, कोई भी फोटो यहाँ पर हम चूज कर लेते हैं। ओके, तो ये वाला फोटो हम चूज कर लेंगे और थ्री लाइन पर आ जाना है, और आपको फिल कंप्रेशन एरिया कर लेना है। करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ शेयर वाला ऑप्शन क्लिक कर देना है, और आपको करंट फ्रेम पेज में क्लिक करके इस तरह आपको एक्सपोर्ट करना होगा। ओके, एक्सपोर्ट होने के बाद आपको सेव ऑप्शन आएगा, आपको सेव कर लेना है। इसी तरह आपको चार पांच फोटो जितना भी रहेगा आपको बना लेना, फिर से इस वाला फोटो डिलीट करके फिर से आपको न्यू फोटो ऐड करना है, और आपको क्रॉप कर लेना है। 9.62 का आपको साइज का फोटो क्रिएट करना है, उसके बाद इस वाला प्रोजेक्ट को आपको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद आपको क्या करना है, बिडमार्क प्रोजेक्ट ओपन कर लेना है इसी तरह, और यहाँ आपको नीचे मिल जाएगा फोटो, यहाँ पर आपको इमेज लिखा हुआ मिलेगा। तो पहले आपको बैकग्राउंड फोटो यहाँ पर ऐड करना है, तो नीचे आपको बैकग्राउंड एंड फोटो लिखा है तो यहाँ पर क्लिक करना है, कलर एंड फिल में जाना है, और आपको यहाँ से अपना फोल्डर सेलेक्ट कर देना है। ओके, जो फोटो आप बनाना चाहते हो वही फोटो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करना इस तरह आपको प्लस में टैप कर देना है, टैप करना बैकग्राउंड फोटो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। फिर से आपको क्या करना है, इमेज पर क्लिक करना है, कलर एंड फिल में जाना है, पीएनजी में जाकर आपको फोटो को सेम फोटो यहाँ पर भी आपको ऐड करना है। तो ये उस वाला फोटो हम ऐड कर लेंगे। ओके, सेम फोटो यहाँ पर प्लस में टैप कर लेंगे, इस तरह ऐड करना है, नीचे भी आपको क्लिक करना है, कलर एंड फिल में जाना है, पीएनजी में जाना है, और आपको यहाँ पर भी सेम फोटो ऐड करना है। ओके, इसी तरह आपको फोटो ऐड करने के इस तरह आपको लुक आ जाएगा। आने के बाद आपको क्या करना है, कुछ भी यहाँ पर करना नहीं है, फिर से आपको आगे चले जाना है। यहाँ आपको एक इमेज मिलेगा, देखो तो यहाँ पर आपको इमेज मिलेगा, तो यहाँ पर क्लिक करना है और कलर फिल में जाना, पेंजिंग में जाना है, और आपको एक एक करके आपको 9.62 का फोटो ऐड करना है। इस तरह प्लस पे टैप करना है, इस तरह फोटो ऐड हो जाएगा। फिर से आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है, कलर फिल में जाना है, पेंजिंग में जाना है, और आपको यहाँ पर क्या करना है, अलग अलग फोटो आपको इस तरह प्लस में टैप कर दो, फोटो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ओके, तो इसी तरह आपको क्या करना है, यहाँ थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, तो ये वाला आपको लाइन क्लिक कर देना है। ओके, यहाँ देखो दो फोटो आपको सेम फोटो ऐड करना है। ओके, यहाँ पर हम गलत फोटो ऐड कर दिया, कलर एंड फिल्म में जाना है। ओके, दो दो फोटो करके आपको सेम फोटो ऐड करना है। ओके, यहाँ पर इस वाला फोटो, तो यहाँ से लेकर यहाँ डबल वीडियो देख लो, यहाँ पे दो फोटो आपको सेम फोटो ऐड करना है। तो यहाँ क्लिक करना है, कलर एंड फिल्म में जाना है, पेंज में जाना है, यहाँ से हम फोटो चेंज कर लेंगे, इस वाला फोटो में ऐड कर लेंगे। ओके, अगले बार भी आपको क्लिक करना है, इस तरह आपको सेम फोटो ऐड करना है, दो दो फोटो आपको जो सेम फोटो ऐड करना है। देखो यहाँ पर दो फोटो हो गया, फिर से आपको यहाँ पर दो फोटो अलग फोटो ऐड करना है। तो इस तरह कलर एंड फिल्म में आ जाना है, और आपको जो फोटो अच्छा लगे वही फोटो आपको सेलेक्ट कर देना है, फिर से क्लिक करके यहाँ पर कलर एंड फिल्म में जाना है, और आपको सेम फोटो ही ऐड करना है। ओके, तो यहाँ पर हम कर लेंगे सेम फोटो। ओके, इस तरह आपको कर लेना है, इसी तरह से आपको लास्ट तक आपको फोटो को जो आपको ऐड करना होगा। ओके, तो चलो फोटो को पहले ऐड कर लेते हैं। ओके, तो दोस्तों इस तरह आपको फोटो को लास्ट तक ऐड करने के बाद आपको बैग आना, बैग आने के बाद आपको सैग इफेक्ट ओपन कर लेना, यहाँ आपको सॉन्ग से मिल जाएगा, और आपको यहाँ पर जो सीसी इफेक्ट भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट ऑल करना है। ओके, सेलेक्ट ऑल करके आपको कॉपी फोल्ड लेयर करना है, उसे तक बैग जाना है, बैग आने के बाद आपको क्या करना है, बिडमार्क प्रोजेक्ट ओपन करके यहाँ पर आपको लेयर वाला ऑप्शन क्लिक कर देना, और आपको पेस्ट करना है। पेस्ट करने इस तरह आपको सीसी इफेक्ट जो आपको HDR लुक आ जाएगा, तो शेयर वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना, और आपको वीडियो को फुल HD में एक्सपोर्ट कर लेना है। ओके, सो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना है, और सब्सक्राइब कर देना है, और वीडियो पर प्यारा सा कमेंट कर देना है। तो ठीक है, मिलते हैं ऐसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।